आपको पता ही होगा कि कोई भी वेजिटेबल्स में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें गाजर से पानी निकालना है। तो ये नमक डाल के एक आध घंटे के लिए हम इसे साइड में छोड़ देंगे ना, तो सारा पानी सेपरेट हो जाएगा। और ये देखिए, थोड़ी देर में गाजर से सारा पानी निकल गया। ये आपको देखने में ही समझ आ रहा है कि वो पानी सब सेपरेट हो गया। अब इसे हम छन्नी में से छान लेंगे। इसे अगर आप वो सीजन के जो रेड कैरेट होते हैं ना, उससे बनाओगे ना, तो ये और भी टेस्टी बनता है। बट मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ये रेड कैरेट्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो मैं इसी से काम चलाती हूँ। बट आपको मिले तो जरूर उसी से ट्राई करना। और इसे अच्छे से ड्राई करके मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम करने रखा है। ऑयल के गरम होते ही डाले एक टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, और गार्लिक को हल्का सा ऐसे सौते कर लेंगे। अब डालेंगे एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे, ये प्रोसेस करते समय गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, जिससे मसाले जले नहीं। अगर तुम बहुत हाई फ्लेम पे ऑयल गरम करके मसाले डालोगे तो मसाले वहीं पे जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम इस मसाले को इस गाजर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गाजर से सारा पानी निकाल लिया था, इसीलिए आप इसे फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो गाजर में नमक डाल के पानी निकाल लीजिए और फिर उसे धूप में ड्राई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वो बहुत ही ड्राई हो जाएगा और आप इसे एक आध महीने तक स्टोर कर सकते हो। मेरा तो ये फेवरेट है और मैंने आज तक जितनों को भी ये खिलाया सबको बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तो बस यहाँ पे ये रेडी है। आप इसे किसी भी रोटी सब्जी के साथ या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।